आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस, जो हमारे टर्मिनेटिंग थे क्वेश्चन नंबर 1 में, वो हमने यहाँ राइट डाउन कर लिए हैं कि 6 वाला हमारा टर्मिनेटिंग था, 8 वाला था, एल 9th वाला था। तो अब हमें इनको डेसिमल एक्सप्रेशन में चेंज करना है। तो हम इससे पहले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन को कर चुके हैं। हम फर्स्ट था हमारा, सेकेंड था एंड फोर्थ था, और नेक्स्ट 3 ये है, इस वीडियो में हम इनको करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ से देखा 23 अपॉन 2 की पावर 3 है हमारे पास, और 5 की पावर 2 है। अब हमें इनको दोनों को सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 है, यहाँ 3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 3 है हमारे पास, 5 की पावर 2, तो एक 5 की पावर 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 3 बन जाएगा, क्योंकि 5 1 और 2 के 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 की पावर 1 का मींस होता है केवल ओनली 5। हमने ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर लिया, 5 3 है 15, कैरी 1, 5 2 है 10 और 1 11। इन दोनों को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3, 115, 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, 115, 2 की पावर 10 का क्यूब। अब हम इसको खोल सकते हैं, 115 1000, और यहाँ से हम इसको 3 नंबर बाद हम पॉइंट लगा लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 0.115, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका 8th वाला क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं हम। 6 के फैक्टर किए 2 मल्टीप्लाई 3, इट मीन्स इसके भी फैक्टर किए हमने 3 मल्टीप्लाई 5, 3 से 3 हमारा कट गया, क्या बचा हमारे पास, 2 की पावर 5। अब हमें इसको m और n की फॉर्म में बनाना है। हमारे पास 5 तो है, हमें क्या लेके आना है, 2 लेके आना है, क्योंकि एक 5 है तो हमें एक ही 2 लेके आना पड़ेगा। तो एक 2 लेके आए, तो हमने एक 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एक 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 4, 5 2 10, और 10 से इसको डिवाइड किया 0.4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 9th है एंड लास्ट क्वेश्चन है इसका। 35 के फैक्टर किए, 5 7 35, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, एक 5 से एक 5 कट गया हमारा, यहाँ से बच्चा हमारे पास 5 अपॉन 2 की पावर 2 और 5 बचा, 2 5 10 होता है, और 10 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.7। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का 6th, 8th एंड 9th फिनिश हो जाते हैं, और आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका फिनिश हो जाता है।